freaking. Cause I heard that you were back in town. All made up, damn girl, look at you now. Don't wanna waste another minute of tonight. Good morning, friends. So, आज है 23 फरवरी. तो अभी अपना सेकंड नैप कंप्लीट करके मैं रेडी हूँ पूरे दिन के लिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन. The shape of you, I just can't forget. तो व्लॉग हो चुका है एडिट और 1:30 बज गया है. तो अभी मैं से स्कूल जा रहा हूँ. क्यों जा रहा हूँ स्कूल वो मैं आपको अब आके बताऊँगा, बिकॉज मुझे नहीं पता मीटिंग कैसे होने वाली है. और वैसे तो लेट हो गया है, बट ठीक है, देखते हैं जाके कैसा बन क्या सीन होता है. मीटिंग डन हो गई है. वैसे मैं अनप्लान आया था यहाँ पे, बट मेरे को वही है कि यार थोड़ा प्रिंसिपल्स वगैरह और स्कूल वगैरह में जाके प्रिंसिपल्स वगैरह से डिस्कस करूँ कि मतलब मुझे इन फ्यूचर स्कूल और कॉलेज के साथ से मतलब पार्टनरशिप करनी है. तो पार्टनरशिप कैसे हो सकती है, मतलब पता चलना पड़ेगा कि स्कूल और कॉलेज को क्या ऐसा फ़ायदा चाहिए जो हम उन्हें दे सकते हैं और वो हमें अपने पार्टनरशिप में साथ में ले ले. नहीं तो वैसे मतलब बाहर से एडवर्टाइजमेंट करना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा. मतलब बाहर से कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, आप बच्चों को कभी कन्विंस ही नहीं कर सकते कि भाई आप क्या करना चाहते हो. बिकॉज हर किसी को लग रहा है कि लाइफ सही चल रही है, सब कुछ सेट चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, समझ रहे. एक सर्टन एज आती है जिसमें ये चीज़ बात पता चलती है, रियलाइज होता है आदमी को जब फोर्थ ईयर में कॉलेज से बाहर निकलता है, तब जाके रियलाइज होता है कि भैया हाँ कुछ गलत चल रहा है. वैसे मैंने बहुत सारे यंग बच्चों के साथ भी अपना आइडिया डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ भैया आप जो बोल रहे हो वो सही है, गलत नहीं है, मतलब बिल्कुल सही कर रहे हो आप. बट वही है कि मतलब मैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स लोगों से मिल के यही जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या मैं जो कर रहा हूँ उसको कैसे, मतलब मैं इस लेवल का आइडिया, इस लेवल का बिज़नेस मॉडल बना सकता हूँ कि जिससे मतलब स्कूल और कॉलेज इजीली कन्विंस हो जाएं मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए. तो इसी के लिए आया था मैं यहाँ पर कॉलेज में, मतलब स्कूल में. तो ठीक है, अच्छा बात हुआ है. तो देखते हैं किसी और स्कूल में जाएंगे और थोड़ा आइडियाज़ मिलेंगे. सो देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे. Pull you close and now we're moving slow. I'm not asking for forever, just tonight. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 5 बज चुके हैं. तो अभी हम जा रहे हैं एक छोटा सा प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है एक. तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ. कुछ नहीं, बस स्कूल से आया, खाना खाया, फिर बहुत नींद आ गई, मैं सो गया और अभी उठा हूँ 6 बजे और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे. सो चलिए चलते हैं. तो ये हम पहुँच गए राजवाटिका अपार्टमेंट. तो यहाँ है प्रोग्राम. तो भाई लिफ्ट ख़राब है, सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा नीचे, शायद प्रोग्राम है. तो ऊपर मेरे काउंसलर आए हुए हैं, उनके काउंसलर आए हुए हैं, दोनों से मिलेंगे, देखते हैं क्या बात होती है. तो ये है हमारे आशुतोष प्रभु, बहुत सारे डिवोटीज आते हुए. हरे कृष्ण प्रभु, आ जाइए आ जाइए, अंदर आ जाइए. ओ भाई, सो
यहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ पार्टी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे भगवान है और ये हमारा प्रसाद है और ये हमारे बिलोचन प्रभु हैं और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है और अंदर संतोष प्रभु पार्टी बना रहे हैं और साथ में प्रभु जी अमित प्रभु मिलकर पार्टी बना रहे हैं। तो 11:30 बज चुके हैं, वीडियो कर दी अपलोड बिकॉज आज लेट हो गए बहुत ज़्यादा। 10 बज गए खाना खाते खाते वहाँ पे, तो पार्टी हो रही थी अपनी इस्कॉन वाली। सो अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और ऐसे मतलब स्पिरिचुअल लेक्चर जो होते हैं मतलब डेली अटेंड करने चाहिए हमें, बिकॉज इससे क्या होता है मतलब एज मैटर नहीं करती। इससे क्या है कि आप देखो, आप यूट्यूब पे जाके बड़े बड़े लोगों के लेक्चर सुन रहे हो, बट आप लाइव जब ऐसे लोगों से मिलते हो तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप डायरेक्टली मतलब कोई भी अपना डाउट है तो क्लियर कर सकते हो लाइफ के रिलेटेड या कुछ भी हो। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे लेक्चर्स अटेंड करना पसंद करता हूँ और इससे क्या है आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों से मतलब नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है अगर आपको सोसाइटी में हेल्दी क्लास मतलब माइंड से हेल्दी क्लास ऑफ लोगों से मिलना है तो ऐसे प्रोग्राम्स में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रैली में अपनी रिलेशनशिप बड़े बड़े लोगों और अच्छे अच्छे लोगों के साथ बनाने हैं जो मतलब रैली में लाइफ को बहुत ही मतलब हायर लेवल पे अपनी लाइफ को देखते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, तो अगर आपको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला बंदा बनना है तो आपको ऐसे लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए और जब भी मौका मिले ऐसे प्रोग्राम्स में जाने का ज़रूर जाइए। ठीक है, सो यही पे ब्लॉग का एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।